नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसान अपना गाढ़ा कमाई राशि पाने सुबह 7 बजे आकर लाइन में लगकर खा रहे हैं धक्का मुक्की। समय पर नहीं मिल रहा पैसा। जांजगीर चांपा जिले में किसान अपनी गाढ़ी कमाई पाने लाइन लगाकर जद्दोजहद कर रहे हैं और शाम होते ही पैसा न मिलने के कारण हताश होकर घर लौट रहे हैं। जिस तरह लंबी कतारें लगकर किसान अपनी मेहनत की कमाई की राशि लेने दिन भर लाइन लगाए होते हैं, साथ ही यहां बने एटीएम सेंटर सिर्फ 100 पीस बनकर रह गया है। किसान को दिए गए एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण वहां अपने पैसे लाइन में लगकर ही निकाल पा रहे हैं। एक सप्ताह में केवल 25,000 रुपये दिए जा रहा है। किसान अपनी समस्या का समाधान करने धक्का मुक्की खा रहे हैं, बावजूद वे अपने पाए हुए पैसे से कर्ज चुका पाने काफ़ी नहीं है, जबकि अन्य खर्चे के लिए वो अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। किसान सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस सप्ताह में 50,000 रुपये किसान राशि दिलाने सहयोग करें, जिससे वे अपने कर्ज को छूट सकें और अन्य काम के लिए पैसे का उपयोग कर सकें। आए हाँ 9 बजे से, अब अभी 1 बजा से ये कागज 25,000 पैसा देती हैं। अब मुश्किल मिली के नीते है। अब ये समस्या देख के सरकार ने ये करना चाहिए कि सभी बैंक में पैसा मिल जाना चाहिए। ये मैं 4-5 गांव के लिए जोड़ दे मोर समस्या बता। तो आज नंबर नहीं है मोर, तब वो आए क्या मोर लड़की हॉस्पिटल में है, मिल जाए मिल जाइए ऐसे कह के। अब देखा था मिल जाए कैसे करिए कौन सा था। अब देखा था बोला कुल मिला के आप लोग अपन खुद के गाढ़ा कमाई बैंक में जमा है, लेकिन ओकर बाद भी कर नहीं नहीं, नहीं, नहीं हो। अब नहीं मिले तो मुश्किल हो जा रहा है। 4 गाँव के है। अब मैं सिवनी के हम प्रेमचंद धीवार है मोर ना। बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है भैया। स्वयं किसान को अपनी गाढ़ी कमाई के लिए इतना मशक्कत करना पड़ रहा है। बुजुर्ग है, बहुत दूर दराज से आए हैं। सप्ताह में सिर्फ एक बार एक सोसाइटी को पैसा दिया जाता है, वो भी ओनली 25,000 रुपये देते हैं। बुजुर्ग लोग आते हैं नहीं लगते हैं, इतना धक्का मुक्की होता है कि कई लोग यहाँ बेहोश हो जाते हैं। कई हार्ट पेशेंट है, कई बुजुर्ग है, कई लोगों को मतलब इस प्रकार की समस्या हो रही है। सप्ताह में केवल 25,000 रुपये दे रहे हैं, बहुत दिक्कत की बात हो। इतना मशक्कत के बाद तो मिलता है क्या जाते हैं सरकार से। हम सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि भाई वो हमारी किसानों की मांग को सुने। हम स्वयं अपनी गाड़ी कमाई को लेने आते हैं तो कम से कम सप्ताह में 50,000 रुपये देने की कोशिश करें। यहाँ एटीएम सेंटर जरूर है, लेकिन वो लगातार बंद है सर, ये दिक्कत है। मेरा नाम रामेश्वर लाल कश्यप है, मैं धुरकोट मंडी के सदस्य हूँ, ग्राम मरकटी के हूँ। मैं बुधवार के आ रहे हैं, लेकिन ना बुधवार के तीनों काउंटर में गए, दूसर दिन निधन की को वापस कर दी। और आज आए हैं शुक्रवार के, मिलते कहीं तो शुक्रवार के आए हैं, लेकिन देखा था भीड़ ला 1 घंटा हो गए खड़े, अभी लाइन रेंगते नहीं है, उतने भीड़ लगे है। कार से हमने चाहते हैं साहब कि हमारे सुविधा देवाए, हमरे पैसा हमें मिलत नहीं है टाइम में, पैसा चालू नहीं करे है। एटीएम तो बनवा रहे थे, कहाँ चला थे। अब आरटीडीएस कर दे कहिया तो करे नहीं, पैसा तो मिल जाए नहीं करती। अभी देखा था एंट्री नहीं हो तो पैसा के कत्ता करने का जानकारी भी ना कहाँ बनी वहां। कम से कम दे थे तो हफ्ता में 50,000 दे, हमरे पैसा हमारे काम नहीं आते। पैसा 25-25 करके पूरों के दे थे,